खुशी की बात है कि आज हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आपने हम चार छात्र छात्राओं पर लड़ाई को हल्के में नहीं लिया। इतने लोग का सहारा इस राज्य में हुआ, देश को आजाद हुआ, कई सारे आंदोलन कई जगहों के बाद लगभग उसी वही कहानी इस राज्य के लिए। हेलो, कई हमारे बुजुर्ग लोग राज लड़ाई करने के लिए घर द्वार छोड़कर, खेती बाड़ी छोड़कर, बाल बच्चा को छोड़कर कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, यही आवाज उठता। अब आप लोग सपना देखिए, सपना को पूरा करना मेरा काम। आप लड़ाई करने का आप लोग को जरूरत नहीं है, जब तक हम आपका अधिकार आपसे कोई नहीं। पहले तो बाबू लोग ब्लॉक में जिला में बैठ के काम करता था, आज पदाधिकारी आपके पंचायतों में आपके गांव में जाकर के आपकी समस्याओं पर समाधान करने के लिए अभी हम लोग ने लगा यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के साथ रहना सीखना, उसकी भावना का आदर करना। अभी हम लोग फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम द्वारा चालू किए आबोआ किसों सभी वर्ग, चाहे पढ़ने लिखने वाला हो बुढ़ा बुजुर्ग। और अभी हमारा जो गांव छूट गया है, आज के दिन में भी हमारे गांव में कई ऐसे लोग जिन्होंने शहर नहीं देखा, ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, डीसी कौन है, एसपी कौन है, कभी देखा ही नहीं। कई वैकेंसी निकाल रहे हैं, अभी टीचर की वैकेंसी, पुलिस की वैकेंसी, सभी लोग जितना हो सकेगा संभव सरकारी गैर सरकारी में हमने कानून भी बनाया। यहां पर जितने उद्योग लगे उन सभी उद्योगों में 75% स्थानीय लोग भी नौकरी करेंगे, यह हम लोगों ने कानून बनाया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारी बच्चियां जो हुनर उनके अंदर है, आज उसका चर्चा पूरा दुनिया में हो रहा है। आज हम लोग खेल नीति बनाए, खेल नीति में भी नियुक्ति का प्रावधान किया, खेल के माध्यम से भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिला। भी लगाएंगे हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।